नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अन्य तभी जिंदा है गोंडा। जानलेवा कोरोना बीमारी से निजात पाने के लिए जब 21 दिन का लॉकडाउन किया गया तो गरीब दैनिक मजदूरों की स्थिति बद से बदतर हो गई। उनके सामने दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना आसमान के तारों को तोड़ने जैसा हो गया। ऐसे में तमाम समाज सेवियों के साथ गोंडा के हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष शारदा कांत पांडे ने जब क्षेत्र के लोगों को भूख से तड़पते देखा तो उनकी आंखें भर आई और उन्होंने ये तय किया कि जितना हो सकेगा वो गरीबों के दुखों को साझा करते रहेंगे, जिसे लेकर ये समाज सेवी क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों के घर जाकर उन्हें खाद्य सामग्री के पैकेज मुहैया करवाकर उनके अश्कों को पोंछ रहे हैं। बताते चले कि जिला अध्यक्ष शारदा कांत पांडे जो गरीबों के दुख दर्द में सदैव अपनी सेवा प्रदान करते रहते हैं, इतना ही नहीं उनके हक की आवाज बुलंद करने में भी आगे रहते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत इन्होंने गरीबों के घर घर जाकर गैस सिलेंडर मुहैया करवाया था। बताते चले कि जब जब कोरोना को लेकर हुए लॉकडाउन में गरीब मुफलिस भूख से तड़प रहे तब ये दर्द इनके दिल में टीसे मारने लगा और इन्होंने ये फैसला किया कि जितना भी हो सकेगा ये उनके दुखों को साझा करेंगे। इसी को लेकर अपने के साथ मिलकर गरीबों के घर घर जाकर उन्हें खाद्यान्न सामग्री के पैकेज मुहैया कराकर उनकी सेवा कर रहे। बताते चले कि बाबा मठिया मंदिर आदि गाँव के साथ ही दिनांक 25 अप्रैल को सहित लगभग सैकड़ों परिवारों जरूरतमंदों के बीच खाद्यान्न सामग्री के पैकेज मुहैया कराकर लोगों को आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हमें फोन करें, हम यथासंभव मदद करते रहेंगे। इस मौके पर कार्यकर्ता जिला मंत्री बब्बू दुबे, प्रमोद शुक्ला, सदर मीडिया प्रभारी आनंद वर्मा, सुनील दुबे, जिला मीडिया प्रभारी रविन्द्र मोदनवाल, केशव ठक्कर, आकाश सागर, नीलम मिश्रा, नगर अध्यक्ष देव नारायण तिवारी, जिला उपाध्यक्ष रहे। लगाओ 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 लगा